हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय राठौर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अब तक हमने एक्सरसाइज जो मिसलिनियस है वन, उसके अंदर हमने 1 to 12 सम देखे, ओके, 12 सम हमने देखे। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे बेटा, तो आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो, ओके। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, इसके अंदर सिर्फ 19 मिसलिनियस एक्सरसाइज के अंदर 19 सम दिए, तो आज हम पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। 13 के अंदर मुझे क्या बोला, आपके पास अपनी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को रीड कर सको। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, गिवन अ नॉन जीरो एम्प्टी सेट, कोई एक सेट है जो कि नॉन जीरो, ओके, जो बाइनरी ऑपरेशन है स्टार ऑन एक्स, एक्स के ऊपर है, ओके। बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एक्स कोई सेट का पावर सेट के ऊपर है, तो पी ऑफ एक्स ये जो डोमेन होगा और रेंज भी क्या होगा पी ऑफ एक्स, ये चीज आपको दिया। वी डिफाइन इट, बाइनरी ऑपरेशन क्या है बेटा, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस। सर इसका मीनिंग क्या होता है, आप 11 साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़े हो सेट थ्योरी का, अंदर ए माइनस बी मतलब डिफरेंस ऑफ सेट, ए माइनस बी का मीनिंग होता है ए के एलिमेंट में से बी का एलिमेंट माइनस करो, जो ए का बचेगा वो आंसर है। बी माइनस ए का मीनिंग क्या होता है, बी के एलिमेंट में से ए का एलिमेंट माइनस करो, जो बी का बचेगा वो आंसर है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। और आगे है कि भाई ए एंड बी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स चलिए मैं कोई एज्यूम करता हूं, आगे हमने एक सम के अंदर ऐसा ही किया था, हालांकि इसका आपके क्वेश्चन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मैं सिर्फ एजम्पशन आपको क्वेश्चन समझाने के लिए ले रहा हूं, ठीक है। कोई एक सेट ले लू, अब पावर सेट ऑफ एक्स अगर मैं लिखना चाहूं बेटा तो क्या आएगा, फाइव ए बी एंड यहां पे होगा ए, ये क्या हो गया पावर सेट ऑफ एक्स। मुझे ऐसा बोला गया है कि ए एंड बी दोनों के दोनों कहां पर बिलोंग करते होंगे पी ऑफ एक्स के अंदर, सीधी सी बात। और एक चीज आपको ये नोट करना पड़ेगा कि देखिए ए सपोज इसको आप ए लेते हो, इस एलिमेंट को सपोज इस एलिमेंट को आप बी लेते हो, तो ए एंड बी बिलोंग कर रहे हैं पी ऑफ एक्स के अंदर, हाँ कर रहे हैं, ओके। अगर मैं ऐसा बोलू ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एक्स, तो भी आप मना नहीं बोल सकते, हाँ सर नहीं बोल सकते, क्योंकि आप यहां पर देख रहे हो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ए दिया है, ओके, वो एक्स का सबसेट है कि नहीं, हाँ मैंने हालांकि ये एज्यूम किया है, सपोज ये ए हो सकता है, सपोज ये बी हो सकता है, सपोज के बाद, ओके, क्वेश्चन समझने के लिए समझना जरूरी है, ओके, तो आप इसके ऊपर ये क्वेश्चन ले लिया और ऐसा एजम्पशन कर सकते हैं। आगे बढ़ रहे और शो दैट द एम्प्टी सेट फाई इज द आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन, तो मुझे क्या शो करना है, शो phi is identity element, ऐसा मुझे शो करना है, ओके। चलिए आगे पढ़ते हैं, एंड ऑल द एलिमेंट्स ए ऑफ पी ऑफ एक्स आर इन्वर्टिबल विथ ए इनवर्स इज इक्वल टू, मतलब आपको इसका इन्वर्टिबल एलिमेंट ए मिलेगा, वो बात नहीं करते, चलिए तरीके देखिए, phi is the identity element, तो सर आइडेंटिटी एलिमेंट अगर करना है तो उसका एक कॉन्सेप्ट है भाई ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार, ओके, ये आपको पता होना चाहिए बाय डेफिनेशन, मैंने आपको ये बताया, ये डेफिनेशन के ऊपर समझे, तो हम लेंगे इफ फाइ इज आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर फाइ जो होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो यहां पे रखने से मतलब ए स्टार फाइव करने से ए मिलना चाहिए सर, हाँ सीधी सी बात है। दूसरी बात, फाइव स्टार ए करने से भी ए मिलना चाहिए, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मुझे ऐसा बोला शो है, मुझे शो करना है कि भाई फाइव जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट में इस पहले बॉक्स के अंदर रखूंगा फिर इस बॉक्स के अंदर रखूंगा, मुझे दोनों में आंसर अगर ए मिलेगा तो मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ सर ये जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ओके, फाइव जो है वो equal to 5, तो इसका LHS मुझे ये लाना है LHS के ऊपर से, तो LHS यहां A star 5, A star B का मीनिंग होता है A माइनस B यूनियन B माइनस A, A star 5 का मीनिंग क्या होगा A माइनस 5
यूनियन फाई माइनस ए, सीधी सी बात है सर। देखिए अब जरा संभलना बेटा, ए के एलिमेंट में से मैं फाई का एलिमेंट माइनस करूं, जो ए का बचेगा वो तो ए के अंदर ऐसा ऐसा होगा, वन टू, चलो ए को एलिमेंट लिया ए, ठीक है ये ए। अब फाई को उसके अंदर तो कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो मतलब फाइव ही होगा, ओके। तो अगर ए माइनस फाइव करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए को भी मिल जाएगा बेटा, सीधी सी बात। तो यहां पे आ जाएगा ए माइनस, सॉरी यूनियन। अब फाइव में से ए को माइनस करोगे तो फाइव बचेगा, क्योंकि फाइव के पास कोई एलिमेंट, जो पहले वाले का बचे वो आंसर लिखना याद रखना। फाइव माइनस ए है तो फाइव के एलिमेंट में से ए का एलिमेंट माइनस करो, जो फाइव का बचता है वो फाइव से भी बचे। अब ए यूनियन फाइव करेंगे तो ये आंसर आएगा, देखो इज इक्वल टू आ जाएगा सारे, मुझे ए स्टार फाइव इक्वल टू ए लाना था अकॉर्डिंग टू दिस बॉक्स। अब इस बॉक्स को भी सॉल्व करेंगे, ओके। चलिए बेटा अगर दोनों का आंसर ए ही आ रहा है तो मैं बोल सकता हूं यस सर, हमने जो लिया है फाइव इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके। तो यहां पर आएगा फाइव माइनस ए यूनियन फाइव, सॉरी ए माइनस फाइव। सर आपने ऐसा कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन में भी है, तो ए स्टार बी का मीनिंग होता है पहला माइनस दूसरा, पहला माइनस दूसरा, यूनियन यूनियन दूसरा और दूसरा, ओके। फाइव में से ए को माइनस करूंगा तो बचेगा कौन, फाइव ही बचेगा यूनियन, ए में से फाइव को माइनस करूंगा तो ए बचेगा, फाइव यूनियन ए करेगा तो आएगा। देखो यहां पर क्या आरएचएस है, तो इसका भी मैंने एनएचएस लिया, मैंने आरएचएस ला के आपको लिया। सो वी कैन से दैट phi is equal to e, okay? Shortly लिख दो, प्रूव, ऐसा हमने प्रूव किया। चलिए आगे बढ़ते बेटा, और आगे क्या बोला है मुझे कि आपका जो इन्वर्टिबल एलिमेंट यहां पे, फिर ऐसा प्रूव करने को बोला या फिर शो दैट a इनवर्स इज इक्वल टू a, ऐसा मुझे शो करने का बोला हो रहे, ओके। चलिए तो सर इनडायरेक्टली आपको क्या बोला, इनडायरेक्टली आपको ये बोला कि जो बाइनरी ऑपरेशन का इन्वर्टिबल एलिमेंट होगा वो ए होगा। चलिए इन्वर्टिबल एलिमेंट के लिए ए स्टार डेफिनेशन लिखते, ए स्टार बी इज इक्वल टू कर ई होगा, इज इक्वल टू बी स्टार ए होगा, देन बी इज इक्वल टू ए इनवर्स आप लिख सकते हो, ये हमारी डेफिनेशन है, ओके। चलिए आगे बढ़ते, अब मुझे ऐसा चेक करने को बोला है कि सर आपका जो इनवर्स है वो ए, ओके। चलिए तो अगर ए होगा तो यहां पे ए स्टार बी इज इक्वल टू ई, अभी ये वाला बॉक्स लिखा, यहां पे ई सॉरी ई इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए, हाँ सर। यहां पर भी दोनों कंडीशन चेक करेंगे, पहले ये वाला बॉक्स फिर ये वाला बॉक्स, ए स्टार बी। चलो सर आपको बी की जगह पे क्या रखना है, बी की जगह पे ए को ही रखना है, ओके। अगर आंसर ई आ गया, ई बोले तो व्हाट, ई बोले तो फाइव, क्योंकि आपने यहां पे ई इज इक्वल टू फाइव लेके आए हो, तो यहां पे फाइव ही लाना है, सीधी सी बात, ओके। चलिए तो यहां पे लिखूंगा ए स्टार ए इज इक्वल टू फाइव आना चाहिए, फाइव इज इक्वल टू ए स्टार ए होना चाहिए, ठीक है। तो ये एलएचएस हो गया, एलएचएस को मैं सॉल्व करूंगा, आंसर फाइव आऊंगा एलएचएस। तो ए स्टार का मीनिंग क्या होगा बेटा, यहां पे आपको पता है ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए, सीधी सी बात है, सीधी सी बात मतलब ये फाइव हो गया यूनियन फाइव। सर इसका मीनिंग क्या होता है, ए के एलिमेंट में से ए के एलिमेंट सारे माइनस, तो सपोज ए के पास फाइव सिक्स एलिमेंट था, उसमें से फाइव सिक्स माइनस करेंगे तो जीरो एलिमेंट मतलब फाइव बच जाएगा, यहाँ पे फाइव यूनियन फाइव एलिमेंट का आंसर फाइव है, इज इक्वल टू आर एच एस। मुझे ऐसा कब होगा, जब बी इज इक्वल टू ए लिया तभी होगा ना बेटा, हाँ। यहाँ पे टेक बी इज इक्वल टू ए, ओके। इस क्वेश्चन के अंदर बी इज इक्वल टू ए रखने के लिए मैंने ऐसा सोचा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ए स्टार है, तो यहाँ पे आर एच एस के ऊपर से आर एच एस क्या है, ए स्टार है, आर एच एस के ऊपर से यहाँ पे फाइव है, क्या होगा सर देखना, ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए, तो आंसर क्या आ गया फाइव यूनियन फाइव, तो आंसर आ गया फाइव इज इक्वल टू एल एच एस। देखो मैंने यहां से ये लिखा, ओके। तो सर आप ऐसा बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस प्रूफ, सो यहां पर क्या लिखोगे, सो
बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए हैंस प्रूव। ओके, आपको जो क्वेश्चन में बोला था कि सर ये प्रूफ करिए, तो मैंने आपको प्रूफ करके एकदम सिंपल सब है। हमने आगे इसके रिलेटेड तीन सब किए पावर सेट वाले, उसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर है। आपको अगर ऐसा बोला होगा शो दैट आइडेंटिटी एलिमेंट ये है, तो पहले आपको आइडेंटिटी एलिमेंट की जगह पे उस एलिमेंट को रखना, यहाँ पे मैंने फाइव रखा। ओके, फिर चेक करता है भाई ये आंसर आता है या नहीं, अगर आता है तो हम बोल सकते हैं यस इट इज आइडेंटिटी या फिर इनवर्ट इक्वेशन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपको कराया। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14 की, चलो 14 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कई सारे स्टूडेंट को ये डाउट होगा कि सर आप करोगे क्या। यहाँ पे तो दो फंक्शंस दिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, मैं इसको कोई एक सेट बोल देता हूँ, कोई एक सेट। ओके, ए स्टार बी जो बाइनरी ऑपरेशन है बच्चे वो क्या है, तो भाई ए प्लस बी तब जब दोनों का एडिशन लेस देन 6 होगा, मतलब a प्लस बी लेस देन 6 होगा, एंड a प्लस बी माइनस 6 कब, जब a प्लस बी ग्रेटर और इक्वल टू 6 होगा। ओके, शो दैट, मुझे क्या शो करना है, शो 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। एंड ईच ऑफ एलिमेंट a ऑफ द सेट इज इन्वर्टिबल वे, तो इन्वर्टिबल एलिमेंट एलिमेंट 6 माइनस ए को प्रूफ करना है। ओके, चल ए का इन्वर्टिबल एलिमेंट होगा 6 माइनस, ऐसी दो बातें हमको प्रूफ करने का होगा। एकदम सिंपल सा सम है, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि मेरा जो बाइनरी ऑपरेशन वो एक्चुअल में होगा है। ओके, यहां पे तो दो दिए, दोनों में से कोई हम अकॉर्डिंग टू सम एक ही लेंगे। ओके, चलिए कैसे करेंगे जरा देखो, ये बात की बात है, पहले देखते हैं। ओके, जरा देखना बेटा, जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी स्टार, एक ऐसी कंडीशन है जो कि बहुत ही अच्छी है आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, अब मुझे e इज इक्वल टू जीरो रख देना है, क्या रख देना है, जीरो रख देना, तो आंसर ए आना चाहिए। हाँ सर, सीधी सी बात है, तो पहले मैं पहला बॉक्स लूंगा टेक्स, यहां पर लिखूंगा टेक्स e इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि मुझे शो करना है। तो यहाँ पे ए स्टार जीरो इज इक्वल टू आना क्या चाहिए, ए। दूसरा ए इज इक्वल टू ई, सॉरी ई की जगह पर जीरो स्टार ए लिखना है। अब सर अकॉर्डिंग टू दिस बाइनरी ऑपरेशन, ए बी का बाइनरी ऑपरेशन क्या बोलता है, अगर ए प्लस बी 6 से छोटा आ गया तो मैं a प्लस बी लिखूंगा, अगर a प्लस बी 6 या 6 से बड़ा आ गया तो मेरा ये वाला ऑपरेशन होगा। लेकिन आप ये बात समझिए, ये दोनों एलिमेंट होने किसमें से चाहिए, a के अंदर से होने चाहिए, एक एलिमेंट आ चुका है 0, तो 0 a के अंदर है, हाँ है, तो स्मॉल a भी a के अंदर से कोई एलिमेंट आएगा, मतलब स्मॉल a या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 या तो 5, मैक्सिमम नंबर 5, तो अगर आप a की जगह पे 5 लिखोगे 5 प्लस 0 तो आंसर 5 आएगा। तो इन शॉर्ट आपका यही वाला कंडीशन फुलफिल होगा। देखो आपको सिर्फ ये सोचना है, मैं इसको बाइनरी ऑपरेशन को ये वाले से सोल्व करूं या ये वाले से, दो आपके पास क्वेश्चन। ओके, मैं ये देखा कि आपके पास एक एलिमेंट है 0, अब दूसरा एलिमेंट ए आप इसमें से ही कोई एक लोगे, हाँ सीधी सी बात, तो सर उसमें से आप कोई भी एलिमेंट लेके जीरो के साथ अगर एडिशन करोगे तो आपका हमेशा यही कंडीशन फुलफिल होगा कि भाई ए प्लस बी, जीरो प्लस फाइव करोगे तो वो लेस देन 6 होगा, तो आपको लिखना क्या है, यहां पे लिखूंगा ए स्टार, अच्छा ए प्लस 0। ओके, ये वाला आएगा यस, यहां पे आ गया इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस ए स्टार 0 लिया, ए प्लस 0 किया, आंसर आ गया ए, आर एच एस इज इक्वल टू ए। ओके, अब यहाँ पे आर एच एस लेते हैं, आर एच एस का सेम 0 स्टार है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 0 प्लस है, तो यहाँ पे आ गया 0 इज इक्वल टू एल एच एस। ओके सर, हमने जो लिया है उसके अकॉर्डिंग एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ रहा है, सो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 इज द आइडेंटिटी। ओके सर, इन्वर्टिबल एलिमेंट क्या होगा, आगे बढ़ते हैं, इन्वर्टिबल एलिमेंट ऐसा है ये मुझे प्रूफ करना है। ओके,
एक बात समझिए, मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए हम क्या सोचते हैं कि भाई ए स्टार बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू बी स्टार है, ऐसी कोई कंडीशन हम पढ़ते हैं। ओके, अगर ऐसा होगा देन ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, ऐसा भी हमने बताया था कि अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल होती होगी तो बी को मैं क्या बोलूंगा, ए का इनवर्स बोलूंगा। आप इसको ए भी लिया था, यहाँ पर कैपिटल नंबर था क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिया है, स्मॉल लिया है। सर अब हम क्या करें, आपको जरा मैं ये बताऊं कि एक्चुअल में ए स्टार बी इज इक्वल टू ई बी बी स्टार ए इज इक्वल टू ई, पर ई मुझे क्या लेना है बेटा, ई यहां पे जीरो लेना क्योंकि ई जीरो है, इस ऑपरेशन के लिए मैंने प्रूफ किया। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू जीरो, फिर बी स्टार ए इज इक्वल टू जीरो। ओके, किसी एक के लिए मैं आपको सोल्व करके तो आपको आइडिया आ जाएगा क्योंकि मुझे करना तो एडिशन में। अब जरा संभल, मुझे यहां पे क्या बोला गया, ए स्टार बी, ए स्टार बी तो सर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, देखो दोनों में से कोई भी हो सकता है। ओके, क्योंकि आपको यहां पे बी की वैल्यू पता थी तो आपने ऐसा दिमाग लगाया कि ए की वैल्यू इसमें से कोई एक आएगी तो इसका एडिशन सिक्स से छोटा होगा, ये वाला फंक्शन आएगा। लेकिन यहां पे ए एंड बी दोनों अननोन है आपके लिए, तो क्या करूं, तो मैं यहां पे ऐसी चीज अप्लाई करता हूं कि सर सपोज मुझे दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है कि भाई सपोज ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो होगा और ए प्लस बी माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो दोनों में से मैं आपको ये ढूंढ के दूंगा कि कौन सा वाला राइट। यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो, यहां पे ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो किसी एक के लिए मैं आपको सोल्व करके दोनों सही हो जाएगा। अगर आप ए इज इक्वल इसको सोल्व करोगे तो ए इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा, देखो ए की वैल्यू इसमें से कोई भी लो, ए इज इक्वल टू टू लेता हूं तो बी इज इक्वल टू माइनस टू विच इज नॉट बिलोंग्स टू ए। हाँ सर, हमने जब इन्वर्टिबल एलिमेंट पढ़ा था मैंने आपको यह बताया था कि कोई भी एलिमेंट वो बाइनरी ऑपरेशन था, सेट एम एस ए होना चाहिए। तो आपने अगर ए में से कोई एक एलिमेंट लिया टू, ए की वैल्यू है, ओके कैपिटल ए सेट में से टू वैल्यू ए की जगह पे रखी है, तो आपको बी का आंसर क्या मिल गया, माइनस टू। माइनस टू बी इसके अंदर होना चाहिए ना बेटा, लेकिन नहीं। ओके, सो ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल कौन होगी, तो पॉसिबल कौन होगा ये बात, तो यहां पे क्या होगा, ए सॉरी बी इज इक्वल टू सिक्स माइनस, अब यहां पे आप इसकी जगह पे कोई भी वैल्यू रख के देख लेना बेटा, आपको इनवर्टिकल एलिमेंट मिल जाएगा। देखो ए की जगह पे जीरो रखो तो सिक्स इसके अंदर है। अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर आपको एनसीईआरटी के अंदर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। ओके, आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, एनसीईआरटी अगर आप ओरिजिनल एनसीईआरटी देखोगे, ओरिजिनल एनसीईआरटी देखोगे तो उसके अंदर एक कंडीशन मेंशन की है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके चलिए, ओके अगर आप ऐसा करोगे कि ए की वैल्यू जीरो, आपकी एनसीईआरटी के अंदर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो दिया, एक बार नोट कर लेना या फिर कोई देख भी लेना, चेक कर लेना। सर अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं बी ए की जगह पे जीरो लू, ओके तो इसका आंसर सिक्स या सिक्स से क्या आ जाएगा, बड़ा ये वाला फंक्शन है, ये ही बन गया। ओके, तो मुझे यहां पे मॉरल के तौर पे ये पता चला कि आपको बी इज इक्वल टू सिक्स माइनस ए जो मिला, सो B is equal to A inverse is equal to 6 minus A and 2. ओके, इसी स्टूडेंट को ये डाउट होगा कि सर आपने अगर A की वैल्यू 0 यहां पे रख दी तो ये 6 हो जाएगा, B तो सेट A के अंदर है नहीं बेटा, आपको 0 लेने से मना होगा, ओरिजिनल एनसीईआरटी देख लें। ओके, नहीं लेना है तो मैं भी A की वैल्यू 0 नहीं ले सकता, तो 1 लूंगा तो यहां पे 5 आया, 2 लूंगा तो 3 आया, तो सारे एलिमेंट B के जो हो गए इसी सेट के अंदर हो जाएगा। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, 15 एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उसके अंदर मांगा क्या है। उसके अंदर मुझे ऐसा बताना है, दो फंक्शन है, दो फंक्शन इक्वल है, यार देखो दो सेट को इक्वल बताने के लिए मैं क्या बोलता हूं कि भाई अगर सेट
सेट ए के अंदर ऐसे कोई एलिमेंट है, सेट बी के अंदर ऐसे कोई एलिमेंट, तो ये दोनों सेट को मैं इक्वल सेट बोल सकता हूँ। कब बोलूंगा कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स आर सेम होने चाहिए, जो इसके पास है वही इसके पास होना चाहिए, तो ये मैं इक्वल सेट बोलूंगा। ऐसे दो इक्वल फंक्शन बताने होंगे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सपोज आपको क्या करना है, ओके इसके डोमेन में से वैल्यू रखोगे तो सबको देख सकते हो डोमेन, तो एफ ऑफ वन रखने से जो आंसर आता वही आंसर जी ऑफ वन रखने से आना चाहिए। आपको समझ में आ रहा होगा डोमेन में से जो वैल्यू, मतलब एफ ऑफ वन रखने से जो आपका आंसर मिला वही आंसर जी ऑफ वन रखने से अगर मिलता जाएगा, हर एक वैल्यू पे सेम आंसर मिलना चाहिए, तो ही हम बोल सकते हैं इक्वल सेट। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू माइनस वन जीरो वन टू, ये a, b इज इक्वल क्या है माइनस वन माइनस टू जीरो टू, ये कोई b, दोनों सेट f और दोनों फंक्शन f एंड g क्या है बेटा a से b। ओके तो मैं ऐसा बता दिया a सेट से b सेट के ऊपर डिफाइन किया गया, f ऑफ x कुछ ऐसे डिफाइन है भाई x स्क्वायर माइनस x, ओके g ऑफ x कुछ ऐसे डिफाइन है टू मोड में एक्स माइनस वन बाय टू माइनस वन। ओके एक्स बिलोंग्स टू आर एफ एंड जी इक्वल से जस्टिफाई योर आंसर। ओके चलो जस्टिफाई करना है, मुझे चेंज दिया लेकिन उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको यही कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। देख अगर मैं ऐसा सोचू सर कि भाई एक्स की वैल्यू में माइनस वन लेता हूं दोनों में ना, तो दोनों का डोमेन क्या होगा ए, रेंज क्या होगा बी, तो डोमेन से रेंज ये आपको पता है, एक्स की वैल्यू यहां पर रखूंगा तो एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर माइनस माइनस टू, इसका आंसर आएगा वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। यहां पे जी ऑफ माइनस वन क्या होगा बेटा टू, वोल्ट में लिखा माइनस वन माइनस वन बाय टू माइनस वन, तो टू माइनस थ्री बाय टू माइनस वन। ओके तो ये क्या होगा टू इंटू थ्री बाय टू माइनस वन, दो रखा हो गया टू टू थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू। ओके तो यहां पे f ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो माइनस इज इक्वल टू टू मिला। चलिए दूसरी एक वैल्यू लेते हैं f ऑफ जीरो, तो जीरो माइनस जीरो आंसर आएगा इसे जी ऑफ जीरो मतलब बेटा क्या होगा टू मोड में जीरो माइनस वन बाय टू माइनस वन, तो ये टू इंटू प्लस वन बाय टू बनेगा माइनस वन, वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। देखो जी ऑफ जीरो भी मुझे जीरो मिला, एफ ऑफ जीरो भी मुझे जीरो, एफ ऑफ वन रख के देखेंगे यहाँ पे वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, जी ऑफ वन रख के देखेंगे जी ऑफ वन मतलब यहाँ पे टू वन माइनस वन बाय टू माइनस वन, ओके ये टू मोड में वन बाय टू माइनस वन, तो ये क्या हो गया मोड निकालूंगा वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। देखो सर इसके ऊपर आंसर दोनों का सेम वैल्यू रखने से जीरो वन रखा यहाँ पे दोनों का आंसर सेम आ रहा। लास्ट वैल्यू बाकी यहाँ पे एफ ऑफ टू रखेंगे तो टू का स्क्वायर फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू मिल गया, जी ऑफ टू रख के देखता हूं वहां पे टू मोड में टू माइनस वन बाई टू माइनस वन, सर यहाँ पे क्या बनेगा जरा फोर माइनस वन तो थ्री बाई टू, ओके टू इंटू मोड निकाल दिया थ्री बाई टू माइनस वन देना कितने जाएगा थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू, ये टू मिला ये भी। ओके सर यहाँ पे मॉडल क्या लिखूंगा लास्ट में कंक्लूजन क्या लिखूंगा ऐसा कि f ऑफ पहले वैल्यू लिखी थी माइनस वन इज इक्वल टू जी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू क्या मिला था टू मिला था, f ऑफ जीरो इज इक्वल टू जी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो मिला था, f ऑफ वन इज इक्वल टू जी ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो मिला था, f ऑफ टू इज इक्वल टू जी ऑफ टू इज इक्वल टू टू मिला। ओके तो दोनों सेम वैल्यू रखने से आंसर सेम मिला। So, F and G are equal function. Okay, ये क्या है बेटा? Equal function. Please note it down. Okay, बेटा start करते हैं question number 16. Question 16 and 17 दो MCQ का question. Okay, और दोनों के दोनों एक ही method है। एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर नजर की मुझे ऐसा बोले को एक सेट है A जिसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड बोला है द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग, ओके कोई नंबर एक रिलेशन है
जो कंटेनर है तो रिलेशन के अंदर ये एलिमेंट होंगे कि कौन से एलिमेंट 1.2 1.3 वाला एलिमेंट इसके अंदर होगा. ओके विचार मतलब जो रिलेशन हमको लेना है जो इन दोनों एलिमेंट को इंक्लूड करता है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांसटिव. तो मुझे ऐसे कितने रिलेशन मिलेंगे वो मुझे फाइंड करना है. ओके देन द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1.2 1.3 विच आर ओके रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांसटिव. तो ऑप्शन में दिए 1-8 मिल सकता है, 2 रिलेशन ऐसे मिल सकते हैं, 3 मिल सकते हैं या 4 मिल सकते. ओके सर, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके पास रिलेशन एक रो से ही होगा क्योंकि मैंने आपको बताया रिलेशन इज सबसेट और इक्वल सेट ऑफ एक रो से. तो टोटल पॉसिबल रिलेशन में यहां पे आपको लिख के बता रहा हूं 1.1 1.2 ऑर्डर पे क्या होगा 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3. मेरे रिलेशन के अंदर से जो भी मैं रिलेशन बनाने वाला हूं उसके अंदर इसके बाहर का कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, ये आपको पहले पता है. तो मुझे रिलेशन अकॉर्डिंग टू दिस पेशेंट बनाना कैसा है, इसमें वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए बट ट्रांसिटिव नहीं होना चाहिए, ये दोनों होने चाहिए. चलिए हम चेक करते बेटा, ऐसे ही एमसीक्यू खुद से पूछे जा सकते. ओके क्या करना है मुझे, तो सबसे पहले मैं ये करूंगा कि ये एलिमेंट तो अपने रिलेशन में आएगा, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए मेरे पास कौन सा होना चाहिए, 1.1 होना चाहिए, 2.2 होना चाहिए, 3.3 होना चाहिए, ये बात फिक्स है. ओके रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने के लिए होना ही चाहिए. चलिए अब ये दो एलिमेंट देखो, मेरा रिलेशन अभी रिफ्लेक्सिव हो गया, ये बात पक्की हो गया. इस रिलेशन में ये दोनों एलिमेंट इंक्लूड होने चाहिए, तो मैं यहां पर लिखूंगा 1.2 1.3. अगर 1.2 लिखा है तो उसको मुझे सिमेट्रिक बनाने के लिए 2.1 इसके अंदर होना चाहिए. आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए. रिफ्लेक्सिव मतलब अगर ए कोई सेट के अंदर है रिलेशन में होना चाहिए, ये मेरा रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक मतलब ए कोमा भी अगर रिलेशन में होगा तो उसका उल्टा बी कोमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए. ओके तो ये सिमेट्रिक. तो अगर 1.2 आपको जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है रिलेशन में है तो इसका उल्टा 2.1 होना चाहिए, 1.3 है तो 3.1 होना चाहिए. ओके अब सर अब तक ओरिजिनल ए क्रॉस ए के ही एलिमेंट आने चाहिए. हाँ तो ए क्रॉस ए में कौन सा एलिमेंट बाकी है, तो 1.1 आ चुका है, 2.2 आ चुका है, 3.3 आ चुका है, 1.2 आ चुका है, 1.3 आ चुका है, 2.1 आ चुका है, 3.1 आ चुका है. ओके अब बाकी दो एलिमेंट बचे मुझे ऐसा बोला है कि आपके पास कितने रिलेशन बनेंगे बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर, कि वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव. ओके सर अगर दो एलिमेंट है, अगर मैं यहां पे 2.3 इसके अंदर सपोज ऐड करता हूं, सपोज तो देखो तो 2.3 मैंने सपोज इसके अंदर ऐड किया तो मेरे पास एक ये पेयर है और एक ये पेयर 2.2 वाली 2.3 वाली, तो इसका दोनों का ट्रांसिटिव एलिमेंट कौन बनेगा, 2.3 जो कि ये कुल है. अगर मैं एक एलिमेंट 2.3 इसके अंदर इंक्लूड करूंगा तो ये ट्रांसिटिव भी बन जाएगा. तो ट्रांसिटिव बनने के लिए मेरे पास ना बोला गया. ओके तो मैं सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स दे सकता हूं रिलेशन में और तभी जाके रिलेशन कैसा बनेगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव. तो कितने रिलेशन मिले, एक ही रिलेशन होगा जो बाय यूजिंग दिस एलिमेंट रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांसिटिव भी होगा. आप चेक कर लीजिए बेटा, और कोई भी रिलेशन आपको इसके अंदर से एलिमेंट लेने से आपको कोई और दूसरा रिलेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ ये एक ही रिलेशन मिलेगा. तो आंसर आपका आएगा ओके अगर किसी स्टूडेंट का बाय डिफॉल्ट आ जाता है तो प्लीज कमेंट करके देखिए, मुझे बताइएगा कि आता है कि नहीं. ओके नहीं आएगा, सिर्फ एक ही रिलेशन ऐसा होगा कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी और ट्रांसिटिव नहीं होगा. ये एक आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 अगर मैं बोलूंगी वहां पर भी सेम दिया, लेकिन ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंस
इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए एंड कंटेन व्हाट 1.2। तो आपका इसका आंसर है 1। ओके आंसर क्या आएगा 1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब इसका आंसर क्या दे आता है चेक करते हैं। तो सर एलिमेंट तो वही है 1 2 3, तो यहाँ पे रिलेशन ऐसा बना होगा कौन सा 1 1 2 1 1 2 2 एंड 3 3, एक मैंने ये बनाया, ये एलिमेंट होना चाहिए अंदर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1.2 लिखा तो 2.1 भी अंदर होना चाहिए। ओके अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इक्विवेलेंस बोला, इक्विवेलेंस मतलब रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव भी होना चाहिए बच्चे। ओके चलिए, तो इसके अंदर से मैंने कौन कौन से एलिमेंट लिए, 1 1 ले लिया है, 2 2 ले लिया है और 3 3 ले लिया है। ओके 1 2 आ गया है, 2 1 आ गया, तो बाकी ये है, अच्छा ये दोनों बाकी, ये 4 एलिमेंट बाकी, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। अब मुझे ऐसा तो कोई डर नहीं है कि ट्रांसक्रिप्ट नहीं करना, मुझे तो ट्रांसक्रिप्ट बनाना है ना। देखिए तो अगर मैं इसके अंदर से एक एलिमेंट एड करूं, इसके अंदर से कौन सा बने यहां पे, अगर मैं यहां से 1.3 एड करूं तो ट्रांसक्रिप्ट से पहले सिमेट्रिक बनने के लिए 3.1 होना चाहिए इसके अंदर, यस सर होना चाहिए। ओके अब देखो तो 1 1 1 2 सॉरी 1 1 1, तो आंसर 1 3 इसके अंदर है, हाँ ट्रांसक्रिप्ट हो गया। फिर ये है 2 2 2 1, तो ट्रांसक्रिप्ट बनने के लिए 2 1 होना चाहिए, हाँ है। ओके अब अगर मैं ऐसा सोचू 2 3 इसके अंदर एड करता हूं 2.3, तो सिमेट्रिक बनने के लिए 3.3 की एड करना है। ओके तो देखो तो बेटा मैंने इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर ले, तो ये रिलेशन कैसा बन गया, तो ये रिलेशन बन गया इक्विवेलेंस। तो ऐसा कोई दूसरा रिलेशन मिलता है, चलो चेक करते हैं। देखो ये सारे एलिमेंट 9 एलिमेंट है, 1 क्रॉस 1 8, अगर मैं ये लिखूंगा तो ये मिलना ही है। ओके सारे के सारे एलिमेंट अगर रिलेशन में लिखूंगा तो इक्विवेलेंस मिलेगा, लेकिन अगर मुझे 1 1 2 2 एंड 3 3 लिख दू, फिर एक एलिमेंट ये कंटेन कर रहा है, तो 1.2 2.1 लिख दिया। अब देखो तो बेटा सिर्फ इतना रखता हूं, चलिए सिर्फ इतना रखता हूं तो मुझे ये इक्विवेलेंस मिल रहा है इसका, तो 1 1 होना चाहिए सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव के लिए, 2 2 होना चाहिए 3 3 होना चाहिए, हाँ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक के लिए 1.2 होना चाहिए, उसका उल्टा 2.1 होना चाहिए, हाँ सर ये भी। ओके हर एक एलिमेंट का उल्टा है, हाँ सर। फिर ट्रांसिटिव होने के लिए मेरे पास अगर 1 1 है 1 2 है तो 1 2 होना चाहिए, हाँ सर है, अगर 2 2 है 2 1 है तो 2 1 भी होना चाहिए, हाँ सर वो भी है। ओके वो भी है, तो इस रिलेशन को भी तो मैं ट्रांसिटिव बोल सकता हूं, ट्रांसिटिव बोल सकता हूं, ओके बोल सकता हूं। देन ये दोनों ही रिलेशन ऐसे मिलेंगे जो इक्विवेलेंस है, इसका यूज करके इसका यूज करके, बाकी आपको कोई ऐसा रिलेशन नहीं मिलेगा कि जो इसको इंक्लूड करके ये एलिमेंट मुझे लेना है, इसको आपको भूलना नहीं है। ओके 1.2 को भी इंक्लूड किया, यस तो उसका उल्टा 2.1 रिलेशन में होना चाहिए, हाँ सर। तो आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने मिले, दो रिलेशन ऐसे हैं जो क्या है इक्विवेलेंस बनने के लिए काबिल है। तो इसका आंसर आ गया 1 1 कैसे आया, इसका आंसर 2 कैसे आया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके चलिए अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 17 के बाद के, मुझे ऐसा बोला है f(x) ये कोई फंक्शन दिया है, ए जो है सिग्नम फंक्शन। ओके सिग्नम फंक्शन हम 11 साइंस के चैप्टर नंबर 2 में पढ़े हैं, रिलेशन फंक्शन में। मैं ये फंक्शन में से अगर एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी लूंगा तो आंसर हमेशा 1 आएगा, ऐसे f(3) रखूंगा तो आंसर 1 आएगा, f(5) रखूंगा तो आंसर 1 आएगा, अगर f(0) रखूंगा तो आंसर 0 आएगा, अगर f(-3) रखूंगा तो आंसर -1 आएगा।
एक्स की वैल्यू अगर जीरो से छोटी हो तो आंसर कंपल्सरी माइनस वन है। तो ये सिग्नम फंक्शन, इसका डोमेन रेंज है आर से आर। ओके, ये कोई जी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? तो भाई मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फिर से एक बार बता देते। चलिए, सिग्नम फंक्शन आपको पता चल गया। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन, चलिए मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां पे जीरो है, यहां पे वन, यहां पे टू, माइनस वन माइनस टू। अगर यहां पे इंटीजर आता है कोई नंबर, जी ऑफ वन लिखूंगा तो बॉक्स में अगर वन आएगा तो आंसर वन, अगर इंटीजर नंबर आता है तो इंटीजर राइट, तो जो बॉक्स में है वही आंसर। लेकिन जैसे ही पॉइंट के अंदर आ गया या फिर रजिस्टर नंबर है, 1.5 कहां पे आता है? यहां पर, तो 1.5 से छोटे इंटीजर कौन से हैं? ये सारे 1, -1, 0, -1, -2। अगर बॉक्स के अंदर 1.5 या कोई भी रेशनल नंबर आए तो आपको ये सोचना है, ये क्या है 1.5 से छोटे जितने भी इंटीजर उसमें से सबसे बड़ा कौन होगा? 1, तो वो मेरा आंसर। फिर से अगर सर 2.9 हुआ तो 2.9 यहां पे 3 आता है, यहां पे 2.9 सपोज। तो अब 2.9 से छोटे में तो पहला टू ही आएगा, 2, 1, 0। 2.9 के छोटे इंटीजर में से सबसे बड़ा इंटीजर कौन आएगा? 2, तो इसका आंसर आएगा ऐसे। अगर बॉक्स के अंदर -0.5 आ गया तो -0.5 यहां पे क्या आता है? ओके, तो बॉक्स के अंदर अगर -0.5 आ चुका है तो आपको क्या समझना है? -0.5 से छोटे इंटीजर की बात कर, बट इंटीजर के अंदर कभी भी पॉइंट में नंबर नहीं आता, याद रखना। इंटीजर z के अंदर कभी पॉइंट में नहीं आता, या तो 1 या तो 0 या तो -1 ऐसे ही नंबर आएगा। ओके, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। -0.5 लिखूंगा, ओके, -0.5 से छोटे कौन कौन इंटीजर है? -1, -2, -3, उसमें से सबसे बड़ा कौन होगा? ये तो आंसर आएगा। आई होप कि आपको पता चल गया होगा, आपको रिकॉल हो गया होगा। ओके, चलिए, तो इसका डोमेन रेंज भी आर से आर है, कोई बात नहीं बेटा। मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है? मुझे क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि भाई देन डज गॉफ एंड फॉग एंड गॉफ कोइंसाइड 0 से 1 के ऊपर कॉइंसल है कि नहीं? ओके सर, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है कि दोनों सेम है, यानी इक्वल है। देखो कॉइंसल लाइन आती है, आप अगर टेंथ में पढ़े होंगे तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग लाइन को मैं सेम लाइन भी बोल सकता हूं। हाँ, तो ये फंक्शन दोनों सेम है यानी, बस आपको उतना होगा सेम फंक्शन मतलब ये इक्वल होगा। इक्वल फंक्शन के लिए मैंने आपको इसी वीडियो लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपना बताया, क्वेश्चन नंबर था 15 बताया। अगर आपको एक वैल्यू रखते हो तो दोनों में आंसर सेम आना चाहिए। ओके, चलिए, आपको वैल्यू कहां से लेनी है? 0 से बड़ी 1 या 1 से छोटी। ओके, तो चलिए मैं कोई एक वैल्यू एज्यूम करता हूं, x = 1/2, इसके अंदर है, हाँ है। ओके, इसके अंदर है। आगे मैं फॉग लेके देखता हूं, फॉग ऑफ 1/2, पहले एक्स लिखते हैं। अगर ये दोनों सेम होगा, ओके, सेम होगा तो आंसर दोनों का राइट सेम आएगा, अदरवाइज नहीं है। ओके, तो यहां पे आएगा f of g of 1/2। जरा समझना बेटा, g वाला फंक्शन कौन सा है? फंक्शन है ये, तो यहां पे मुझे क्या रखना पड़ेगा? f, चलो, तो 0 1/2 में यहां पे आपको निकाल के दे रहा हूं साइड में, तो यहां पे 1/2। चलिए सर, अभी मैंने जस्ट बताया था यहां पे 0, यहां पे 1, यहां पे 0.5 मतलब 1/2, इसका आंसर क्या आएगा? 0, तो ये हो गया 0। तो यहां पे f(0) लिखूंगा ना बेटा। अब f फंक्शन के अंदर अगर 0 होगा तो आंसर क्या आता है? 0। चलो, इसका आंसर 0 आ गया। फिर से सर मुझे कुछ पता नहीं चला, आपको मैंने यहां पे ये साइड में बताया, बिकॉज कैसे फॉग तो यही होता है। हाँ, मैंने कोई एक ऐसा एलिमेंट लिया जो आपको क्वेश्चन के अंदर बोला है इसमें से कोइंसाइड होगा कि नहीं। ओके, तो इसी में से कोई वैल्यू उठाई 0.5 मतलब 1/2,
तो बॉक्स जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 रखा ओके, जी एक्स की जगह पर 1/2 जी ऑफ 1/2 फंक्शन जी ऑफ एक्स है वो क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अगर मैं जी ऑफ 1/2 फाइंड करना चाहता हूं तो बॉक्स में 1/2 रखा, तो बॉक्स में 1/2 रखा। तो यहां पर मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 0.5 रखा है, तो 0.5 से छोटे इंटीजर में से सबसे बड़ा तो 0 आएगा, इसका आंसर 0। तो मैंने जी ऑफ 1/2 की वैल्यू यहां पर 0। तो अगर फंक्शन एफ के अंदर अगर x की जगह पे 0 रखूंगा, देखो यहां पे अगर x इज इक्वल टू 0 होगा तो आंसर क्या आएगा फंक्शन का 0। तो मैंने यहां पे 0 लिखा ओके। अब बारी आती है फॉर्म किया तो गॉफ ऑफ एक्स, तो मुझे यहां पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा बेटा, यस सर। जी ऑफ एफ ऑफ 1/2 लिखना पड़ेगा, यस सर ओके। एफ ऑफ 1/2, एफ ऑफ 1/2 मतलब फंक्शन एफ के अंदर 1/2 वैल्यू होगी तो इसका आंसर क्या है। देखो 1/2 मतलब 0 से बड़ा, हाँ, अगर 0 से बड़ा होता तो एक्स जब भी 0 से बड़ा होता तो मेरा फंक्शन का आंसर आता है 1। तो यहां पर मैं लिखूंगा जी ऑफ 1 ओके। क्यू रीजन है अगर इफ एफ ऑफ 1/2 ओके इज इक्वल टू 1, बिकॉज 1/2 इज ग्रेटर देन 0, 1/2 0 से ग्रेटर देन होगा, 1/2 रखिए यहाँ पे वो 0 से ग्रेटर है, हाँ सर। तो आंसर क्या आएगा 1। यहाँ पे मैंने एफ ऑफ 1/2 की जगह पे क्या लिखा होगा। अब जी ऑफ 1, तो जी ऑफ एक्स 1 का मीनिंग क्या होता है, मेरे फंक्शन जी ऑफ एक्स के अंदर मुझे एक्स की जगह पर मतलब मैं तो बॉक्स में रख दिया हूं, तो सर इसका आंसर तो बनाएगा। देखो दो गॉफ इज नॉट इक्वल टू 4, जी ऑफ एक्स एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ ओके, सो इट इज नॉट ऑन साइड ओके, दोनों फंक्शन इक्वल नहीं। चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको 3 लेक्चर के अंदर बता दिया। आपके पास अगर दो एलिमेंट है a, b ओके, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का एक फॉर्मूला था n की पावर स्क्वायर, ये कैसे आया मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया, बाइनरी ऑपरेशन जब मैंने स्टार्ट किया था ओके। बाइनरी ऑपरेशन का जो लेक्चर था 1.4x का थ्योरी कॉन्सेप्ट, तब मैंने आपको बताया था, अगर किसी को डाउट है तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो ओके, प्लेलिस्ट के अंदर होगा। तो यहाँ पे एलिमेंट है 2, तो 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 4 आ जाएगा, 16 विल बी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ओके। चलो तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो आया, इस क्वेश्चन में अगर आपको पता ना चला हो बेटा तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, मुझे रिलेशन ऐसा बनाना है, ऐसा रिलेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन बता रहे हैं कि जिसके अंदर एलिमेंट इसमें से और एक पेयर ऑर्डर पेयर ये दोनों तो होनी चाहिए, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव नहीं है ऐसा बता ओके। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, हाँ, फिर सिमेट्रिक होने के लिए, सिमेट्रिक होने के लिए 1 2 2 1 होना चाहिए, हाँ, ट्रांसिटिव होने 1 2 तो उसका उल्टा 2 1, 1 3 तो उसका उल्टा 3 1। सर इतना मैंने लिखा ना तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नॉट ट्रांसिटिव ओके। अब किसी स्टूडेंट को ये होगा कि सर आपके टोटल एक रोज एक एक ऑर्डर पेयर जो है, टोटल ऑर्डर पेयर मैंने यहाँ पे लिखी, उसमें से जो दो बाकी ऑर्डर पेयर, दो बाकी कौन से 2 3 3 इसके अंदर एड करता, तो ये ट्रांसिटिव बन जाता है, तो आपको वो एड नहीं करना है, बस इसी का यूज करके, मतलब ये इसी का यूज करके आप ये प्रूफ कर सकते हो क्या, हाँ कर सकते हो। ऐसे कितने रिलेशन बने, एक ही तो बना, ये तो आंसर आएगा 1। दूसरा मुझे इक्विवेलेंस बताना है, इक्विवेलेंस बताने हैं लेकिन उसके अंदर 1 2 एलिमेंट होना चाहिए ओके। तो मैंने एक रिलेशन कौन सा लिखा, तो कि सर ये जो एक रो से आपको ये पता होना चाहिए रिलेशन इज सबसेट और इक्वल सेट ऑफ एक रो से, तो मैंने पहले एक रो से का पूरा लिख दिया, फिर मैंने चेक किया कि सर ये ट्रांसिटिव रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तीनों है, हाँ। फिर दूसरा ऐसा कौन सा मिल सकता है कि इस एलिमेंट को इंक्लूड करने के बाद भी आपको इक्विवेलेंस, याद रख इसको इंक्लूड करना है भूलना नहीं ओके। 1 1 2 2 3 3 तो रखना ही पड़ेगा, तो 1 2 रखूंगा तो 2 1 सिमेट्रिक बनाने के लिए करना पड़ेगा ओके। अब इसको अगर मैं नोट करूं, इतनी चीज को अगर नोट करूं तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव कैसे, 1 2 रखा, 1 2 रखा, 1 1 है, तो इन दोनों का आंसर 1 2 आपके आंसर है ओके। 2 2 रखा, 2 1 रखा,
तो इसका आंसर 2.1 आपके रिलेशन के अंदर है। हाँ सर, और कोई बचता है क्या 2.1? चलो एक और देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 2.1 को आगे रखू, 2.2 को आगे यहाँ पर रखू, तो जो बनी रहेगी ओके, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। फिर 2.1 रखा, 1.1 रखा, तो 2.1। हाँ सर, तो ये दो ही रिलेशन ऐसे होंगे जो आपको इक्विवेलेंस बाय यूजिंग दिस सेट एंड दिस एलिमेंट विल बी इन पर्टिकुलर बोथ रिलेशन। ओके, तो यहां पे आपका आंसर दो है। ओके बेटे, यहां पे हमने मिसेलेनियस एक्सरसाइज 1 कंप्लीट की है। आपको चैप्टर नंबर 1 पूरा का पूरा आज के डेट में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।